हेलो फ्रेंड्स, तो आपका वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो में। तो आप ट्रैवल तो करते ही होंगे, तो आपको बुक भी करना होता होगा, तो आप या रिटेलर या किसी एजेंट के ज़रिए आप टिकट बुक करते होंगे फ्लाइट का। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ, आप घर बैठे खुद ही टिकट बुक कर सकते हो आपका फ़्लाइट। ना किसी को पैसे देने की ज़रूरत है, ना किसी को देना, तो आप खुद ही कर सकते हो। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखना। और भाई, इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर निकलना, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते भाई, एक लाइक आपका मिलेगा तो हमें थोड़ा बहुत मोटिवेट मिल जाता है। तो इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको, फ़्लाइट टिकट आप कैसे बुक कर सकते हो। अगर आपको मान लो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मुझे कमेंट में ज़रूर करना, तो मैं आपको ये अच्छे से समझा दूँगा तो पूरे बारे में। तो सिंपल सा स्टार्ट करते हैं बिना बच्चोदी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। तो आपके प्ले स्टोर में अगर आप दूसरी साइड से करते हो वो तो मेरे को पता नहीं, तो मैं मैकमाइ का ट्रिप का देने वाला हूँ। तो इसमें आप यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे मैकमाइ ट्रिप है, ये इसका मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप किसी और का भी जानना चाहते तो वो भी मैं बता दूँगा। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, फ्लाइट टिकट। तो सिंपल से यहाँ से आप देखोगे, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। आपसे ज़्यादा नहीं, आपको मोबाइल नंबर डाल मांगेगा नया यूज़र से, तो आप ये सब मांगेगा और आप रजिस्टर हो जाओगे। तो आपके सामने यहाँ पे देखोगे सेम इंटरफेस यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, तो मैं आपको सिर्फ फ़्लाइट के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको किसी और के बारे में जाना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं सिंपल सा फ़्लाइट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ऊपर वन वे है, राउंड ट्रिप है, मल्टी सिटी। मल्टी सिटी मतलब आप अलग अलग सिटियों में जाना चाहते हो वहाँ पर। तो अगर वन वे, मैं सिंपल सा वन वे सिलेक्ट करता हूँ, मुझे एक ही तरफ ट्रैवल करना है। अगर राउंड ट्रिप जाना है, अलग अलग आना और जाना होगा, तो आपको राउंड ट्रिप सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसमें सिर्फ वन वे सिलेक्ट करूँगा और उसका टिकट बना बुक करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं वन वे सिलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे आप देखोगे मैं जयपुर सिलेक्ट कर देता हूँ, जहाँ पे आपको जाना, जहाँ से आपको जिस सिटी में वहाँ से कहाँ जाना है आपको, तो टू, तो मैं बॉम्बे जाना, तो मैं सिंपल सा बॉम्बे सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे देखोगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे डिपार्चर में, तो यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए कौन सी तारीख में जाना चाहते हैं। तो मैं 15 तारीख सिंपल सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं 15 तारीख को जाना चाहता हूँ। आप फेयर भी देख सकते हो। और ये राउंड रिटर्न, मतलब ये आपको राउंड ट्रिप सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो रिटर्न आना जाना दोनों तरफ होगा। तो मैं ट्रैवलिंग का आपको बता देता हूँ, ट्रैवलिंग में आप कितने एल्डर्स हो, मतलब 12 के ऊपर रहेगा तो एल्डर में आएगा। तो 1, 2, 3, 4 जितने भी, मतलब 9 में, तो 9 तक आप सिलेक्ट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो जितने भी पैसेंजर्स जाना चाहते हो 12 के ऊपर, इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। और मान लो कोई चिल्ड्रेन है 2 साल से 12 साल तक, तो आपको यहाँ पे चिल्ड्रेन में सेलेक्ट करना पड़ेगा जितने भी है। और इन्फिनिटी मतलब 2 साल से कम है, तो आपको इन्फिनिटी में सेलेक्ट करना पड़ेगा जितने भी कम है, ठीक है, ये देख सकते हो। और इको एंड प्राइम इको, ये बिजनेस ये अलग है, तो आपको सिंपल सा इको में रहना है और डन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देखोगे सैंपल सब वन पैसेंजर जितने भी ट्रैवलिंग है वो सब डिटेल आ चुकी है। और यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे इको सब सेम ही रहने देना है और जितनी भी ट्रैवलिंग करी है। और सर्च पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने जो भी फ्लाइट जाने वाली है वो आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ पे ऊपर आप डेट सेलेक्ट अलग भी कर सकते हो यहाँ से ऊपर से ही, ठीक है। और नेक्स्ट आपको बता दूँ नॉन स्टॉप जाना है, कहाँ पर जाना है, मतलब मॉर्निंग डिपार्चर में या नॉन स्टॉप। कोई फ्लाइट पसंद है तो आप वो फ़्लाइट नीचे से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बाहर देख सकते हो आप, देखो मॉर्निंग डिपार्चर हूँ या कहीं यहाँ पे गो एयर, जो भी आपको मतलब पसंद है, स्पाइस जेट, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जिस फ्लाइट में आप जाना चाहते हैं। और शोल्टर में आप यहाँ पे टाइम वाइज, सॉरी ये कॉल आ गया है तो मैं इसे कट कर देता हूँ कंपनी की तरफ से। शोल्टर में आप सेलेक्ट कर सकते हो कहाँ से कहाँ जो भी है वो आप सिंपल से सेलेक्ट कर लीजिए। नॉन स्टॉप, टू स्टॉप, वन स्टॉप, तो आप जीरो नॉन स्टॉप ही रहने दीजिए। और मॉर्निंग डिपार्चर जहाँ पे भी कौन से टाइम में जाना चाहते हैं वो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सिंपल, और यहाँ पे आप ट्रेन देख सकते हो और सिंपल से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद जो फ्लाइट आपने सेलेक्ट करी वही फ़्लाइट आ जाएगी, कितने बजे से कितने बजे, वो सब टाइमिंग आ जाएगा, इसके ज़रिए आप वो कर सकते हो। तो सिंपल से आप चलते हैं, हो गया, एक फ़्लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं कोई भी। तो मान लो यहाँ पे आप देखोगे स्पाइस जेट की फ़्लाइट है, इसमें फ्री सीटें बता रहा है अनेबल, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्री सीटें मतलब अगर आपका फ्री रहेगा सीटें तो इसमें फ्री मिलेगी, अगर पेड रहेगा तो उसमें नहीं लिखा रहेगा फ्री सीटें। तो आप यहाँ पे
वही है ये फ्री सीटें। तो यहाँ पे कितने टाइम देख सकते हो, कितने बजे से कितने जाना है, तो यहाँ पे लिखा रहता है नॉन स्टॉप 1 आवर कितने घंटों में छोड़ेगी, वो सब आप यहाँ पे देख लीजिए और आप अपनी फ़्लाइट एक सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे फ़्लाइट आ गई। अगर आपको मान लो डिटेल्स जानना है इस फ्लाइट के बारे में, तो आप देखोगे फ़्लाइट के सामने एयर इंडिया के सामने डिटेल्स लिखा है, तो आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो इसमें फ्री मील है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो जो भी रहेगा। और इसमें अब नीचे आए हुए तो 0 कॉन्सेशन 499, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप ये करोगे कैंसिल, मान लो कैंसिल करना पड़ेगा, तो आपका 499 रुपये कटेंगे और आपके पूरे पैसे आपके वापस आ जाएंगे। तो ये उसका अगर आपको चाहिए तो कर सकते हो, अगर मान लो आपको कैंसिल का चांस रहता है तो कर सकते हो। और ये ऑफ़र्स रहते हैं, जो भी ऑफ़र्स आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हो, आपके यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, ये देखो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। कोई भी इसमें देखो मेरे को 442 का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसमें मेरे को 663 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप जो भी कूपन लगाना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कूपन का नहीं पता तो हैव कूपन करके कोड यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो मैं इसे रिमूव कर दिया हूँ। वो नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे बैग देख सकते हो, कितना बैग ले जा सकते हो, लगेज। अगर मान लो यस शिखर माई ट्रिप इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आप इंश्योरेंस ले सकते हो, नहीं तो नो पे करके यार थोड़ा बहुत आपके पैसे कम हो जाएंगे, नहीं तो पैसे बढ़ जाएंगे। अखबार बैग वैग घूम जाता तो आपको इंश्योरेंस के जरिए मिल जाया करेगा। और डोनेशन करना चाहते हो डोनेशन, नहीं तो सिंपल सा बुक फ्लाइट पे क्लिक कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैवलिंग, तो मैं सिंपल सा शर कामदार सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा पहले से ऐड करो। अगर आप नया ऐड करना चाहते हो ऐड न्यू एल्डर पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मेल हो फीमेल हो, नाम और लास्ट नेम और डन पे क्लिक कर सकते हो। चिल्ड्रेन का है तो वैसे ही आप नीचे जाओगे तो जैसे ही चिल्ड्रेन का भी आपको बता देगा, तो ऐड चिल्ड्रेंस इन्फिनिटी जो भी। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा मैं हाइड कर देता हूँ, ये नंबर वंबर किसी वजह से मैंने थोड़ा बहुत हाइड कर दिया हूँ। और यहाँ पे फ्लाइट पे करके मैं आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा फ्लाइट का आ जाएगा, एक सीट जो भी आप जहाँ पे सीट लेना चाहते हो वहाँ पे पूरा मिल जाएगा। अगर ग्रीन कलर में आप देखोगे तो वो समझो फ्री सीट है, और ये सब सो तो ये ब्लू में रहेगा, जो भी पैसे के आप इतने पैसे देखोगे वो सीट खरीद सकते हो जहाँ पे आप खरीदना चाहते हो। तो मैं सिंपल से स्किप कर देता हूँ, आप बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये स्किप करने के बाद मैं सिंपल से आप पेमेंट मोड पे आ गया हूँ। अगर वॉलेट बैलेंस है तो आप वॉलेट बैलेंस में थोड़ा बहुत पैसे कम करवा सकते हो, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट मोड करने का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप जिससे भी करना चाहते हो, आप अमेज़ोन से सब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ATM UPI नेट बैंकिंग मोबाइल वॉलेट्स यहाँ पे देखोगे, मोबाइल वॉलेट में एयरटेल है, अमेज़न पे है, मूवी क्यूब है, ठीक है, MIs भी कर सकते हो आप, जो भी करना चाहते हो वो सब आप कर सकते हो और यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे कार्ड इन क्रेडिट कार्ड जो भी है आपके पास उससे फ़ोन पे MI बैंक्स, यहाँ पे आपको MI बैंक भी मिलती है, तो आप जैसा लेना चाहते हो वैसा ले सकते हो और टिकट बुक कर सकते हो। तो आपके पैसे कट जाएंगे जो भी रहेगा और आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे आप ये बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके तो ज़रूर निकलना, और कुछ भी आपको मान लो कुछ भी समझ में नहीं आता इस वीडियो में क्या था क्या नहीं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो और मैं आपको दूसरे वीडियो बना दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा इसके बारे में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए साइड में नोटिफिकेशन बेल सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन।